नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम लोक पर स्वागत है। आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे और पहला प्रश्न है, वियना दुनिया का सबसे जीवंत शहर बन गया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स के शीर्ष स्थान पर पहली बार मेलबर्न को पीछे छोड़कर वियना ने प्रथम स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न, राजनाथ सिंह ने NDMC न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कम्युनिटी स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इसके अंतर्गत स्मार्ट सिटी उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट वाईफाई, 360 डिग्री कैमरा और पर्यावरण सेंसर, LED लाइट के साथ सोलर ट्री, मोबाइल चार्जिंग और विचार केंद्र आदि शामिल किए जाएंगे। सरकार ने PNB और इलाहाबाद बैंक की पूर्व प्रबंधक निदेशक उषा अनंत सुब्रमण्यम को सेवामुक्त कर दिया है। उषा ने 6 मई 2018 को इलाहाबाद बैंक के CEO और प्रबंधक निदेशक के रूप में अपना एक वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था। अगला प्रश्न, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खुद को नियुक्त किया कानूनी अभिभावक। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में गाय, बैल, सांड, बछिया या बछड़ों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न, समिता भारत की सबसे धनी महिलाओं की सूची में सबसे ऊपर आ गई हैं। इन्होंने HCL की CEO और कार्यकारी निदेशक रोशनी नादर को दूसरे स्थान पर छोड़ा है। अगला प्रश्न, 22 जिलों में हरियाणा आयुष्मान भारत लॉन्च करेगा। इसके अंतर्गत हरियाणा में 22 जिलों के अंतर्गत जितने भी हॉस्पिटल आते हैं उनमें 15 लाख रुपए की लागत से लगभग 15.5 लाख परिवारों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न, जोधपुर मारवाड़ सबसे स्वस्थम रेलवे स्टेशनों में से एक गिने जाएंगे। उत्तर पश्चिमी रेलवे सबसे स्वस्थ जोन के रूप में सूची में सबसे ऊपर आ गया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए CEO आशीष कुमार भूटानी बने हैं। अगला प्रश्न, स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन 14 अगस्त 2018 को मणिपुर में हुआ है। इस योजना के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट सर्किल में इम्फाल और खोंगजोम के तहत पहली परियोजना का उद्घाटन 14 अगस्त 2018 को मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने किया है। परियोजना में दो साइटें शामिल है, कांगला किला और खोंगजोम। अगला प्रश्न, जीवन सुगमता सूचकांक 2018 में पुणे शीर्ष स्थान पर रहा है। 13 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में इंडेक्स के साथ साथ स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लॉन्च होने के दौरान यह बात घोषित की गई। अगला प्रश्न, बेबाक बात का लेखक विजय गोयल है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कुछ वन लाइनर्स। आधार आधारित लेन देन के लिए किस बैंक ने आयरिस प्रमाणीकरण सुविधा को शुरू किया है? इसका उत्तर आएगा एक्सिस बैंक। आयरिस प्रमाणीकरण का मतलब है आँख से कॉन्टैक्ट करके किसी चीज़ को अनलॉक करना। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में वन जिला वन उत्पाद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर आएगा यूपी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यूपी में वन जिला वन उत्पाद का शिखर सम्मेलन की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, एशियाई खेलों में 2018 को उद्घाटन समारोह के लिए किस भारतीय ने ध्वज एशियाई खेलों में 2018 के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय ध्वज किसके द्वारा लिया जाएगा? इसका उत्तर आएगा नीरज चोपड़ा जो कि जैवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न, VS नायपाल का निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? इसका उत्तर आएगा वो लेखक थे। जी हाँ, हम सब जानते हैं वो एक राइटर थे और उनकी एक बुक जो लगभग काफ़ी चर्चित है, इन ए फ्री स्टेट, जो कि बुकर प्राइज़ भी जीत चुकी है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने हाल ही में लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री उत्थान योजना शुरू की है?
किस राज्य ने हाल ही में लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री उत्थान योजना शुरू की है? इसका उत्तर आएगा बिहार। अगला प्रश्न, भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इंग्लिश में जिसको ट्राई कहते हैं, ये आप लोगों में से काफ़ी ने सुना होगा, भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम है राम सेवक शर्मा। दोस्तों, ये हमारी पहली वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।